तो ऑल राइट एपिसोड 2 की स्टार्टिंग एग्जैक्टली एपिसोड 1 की एंडिंग से ही होती है। जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वरना आप सभी को इसे वीडियो के अंदर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो खैर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी ही क्लेय को ही देखते हैं, जो कि वो टोनी के कहने पर हैना के टेप्स को सुन रहा होता है, जिसमें हैना वो उन्हें टेप्स के अंदर वॉइस ओवर में बताते हुए कहती है कि तुम अभी तक इन टेप्स को क्यों सुन रहे हो, या तो तुम जानना चाहते हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, या तो फिर ये कि दूसरों ने मेरे साथ क्या किया है। तो बस अब हैना कितने कहते ही सीन अब सीधा यहाँ से मुंह होते हुए पास्ट के अंदर ही फोकस होता है, जहाँ पर स्टील स्कूल के अंदर सभी ही स्टूडेंट्स जस्टिन की उसे की गई इंसिडेंट की वजह से, जिसे हमने एपिसोड 1 की एंडिंग में देखा था, बस उसी के ही चलते स्कूल के सभी ही बच्चे हैना को बुली कर रहे होते हैं। तो हाउएवर इस टाइप की विक्टिम और कोई नहीं बल्कि हैना के क्लासमेट जेसिका डेविस से होती है, जो कि ऑब्वियसली जस्टिन की गर्लफ्रेंड होती है। एंड जेसिका वो काफी दिनों से जस्टिन को ही ढूंढ रही थी, बिकॉज रिसेंटली जस्टिन अपना घर अपने मॉम डैड के डेली लड़ाई झगड़ों से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होके अपना घर ही छोड़ दिया था। जहाँ पर जस्टिन वो अपने घर को छोड़ने के बाद और कहीं नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रायस के साथ ही रह रहा था, जो कि इस इंसिडेंट के बारे में जस्टिन ने जेसिका को नहीं बताया होता है कि वो ब्रायस के घर पे रह रहा है। तो खैर अब हम सभी को इस एपिसोड के अंदर जैक डम्सी के बिल्कुल ही पास में ही बैठे हुए एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि उसका नाम होता है मार्कस। एंड ये भी सरप्राइजली ब्रायस वॉकर का और जस्टिन का एक बड़ा ही खास फ्रेंड था, बट इसके बारे में हम सभी ही एपिसोड में आगे चलकर और अच्छे से बात करेंगे। तो एनीवे सब सीन यहाँ से मूव होते हुए लिबर्टी हाई स्कूल के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर हॉलवे के अंदर बैठे हुए हम सभी ही हैना एंड जेसिका को ही देखते हैं, जो कि ये दोनों ही अपने प्रिंसिपल गैरी के ऑफिस बेसिकली अपनी काउंसिलिंग के लिए आए हुए थे। जिसमें खास बात ये थी कि हैना एंड जेसिका वो दोनों ही फॉर द फर्स्ट टाइम एक दूसरे से पहली बार मिल रहे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि हैना वो रिसेंटली इसे टाउन के अंदर अभी नई नई शिफ्ट हुई थी, तो ये काइंड ऑफ इसका सिटी के अंदर मूविंग होने के बाद पहला स्कूल होता है। तो बस सब काउंसिलिंग वगैरह होने के बाद हैना एंड जेसिका वो दोनों ही स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल के पास में ही मौजूद एक छोटे से कॉफी शॉप में आकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिसमें सबसे पहले जेसिका वो हैना को बताते हुए कहती है कि इसके डैड का जिनका नाम मैथ्यू था, जो कि एयरफोर्स में काम करते थे, जिनका उनकी जॉब के चलते आए दिन कभी न कभी ट्रांसफर होता रहता था, जिसके चलते जेसिका वो कभी भी अपने डैड के साथ टाइम ही एक्सपेंड नहीं कर पाती थी। तो अब जेसिका की इन बातों को सुनते हुए एक सामने ही बैठी हुई है ना वो अब जेसिका को बताते हुए कहती है कि जैसा कि मैंने आप सभी को भी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि हैना रिसेंटली इसे टाउन के अंदर शिफ्ट हुई थी, तो एग्जैक्टली इसे ही चीज को देखते हुए हैना कभी तक कोई भी टाउन के अंदर कोई फ्रेंड ही नहीं बना था, चाहे वो भले स्कूल के अंदर ही हो या फिर घर के पास नाइबर में। तो हाउएवर अब हैना की इन बातों को सुनते हुए जेसिका वो हैना के पास अनफॉर्चुनेटली एक भी फ्रेंड न थे, उसको तुरंत अपने साथ फ्रेंडशिप करने का एक काइंड ऑफ ऑफर देती है। तो जहाँ पर हैना वो जेसिका के इस ऑफर को सुनते ही इमीडिएटली उसके साथ उसके इस दोस्ती के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब ऑब्वियस ही बात ही होना क्या था, हैना एंड जेसिका की दोस्ती वो धीरे धीरे समय के साथ गहरी होती चली जाती है। जहाँ पर जेसिका हैना वो हर दिन स्कूल से छूटने के बाद क्रिस मोड्स में ही आकर यानी कि कॉफी शॉप में आकर, जो कि वो उसका नाम था, स्कूल में बीते अपने दिन के बारे में चाहे वो अच्छा ही हो या बुरा साथ में बैठकर कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बातचीत करते थे। तो अब कई दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद हैना एंड जेसिका वो हर एक दिन के तरह अपना स्कूल खत्म होने के बाद क्रिस मोड्स में ही आकर हर एक दिन के तरह कॉफी वगैरह पीते हुए आपस में कुछ बातचीत ही कर रहे थे। तो उसी ही दौरान अनजाने में ही सही बट गलती से हैना एंड जेसिका की नजर अपने बिल्कुल ही साइड में ही बैठे हुए एक ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के के ऊपर चली जाती हैं, जो कि उसका नाम एलेक्स था। एंड ये भी सेम हैना की तरह ही या फिर हम बोले सेम जेसिका की तरह ही टाउन के अंदर नया होता है, जहाँ पर एलेक्स के भी लिबर्टी हाई स्कूल के अंदर सरप्राइजली कोई भी फ्रेंड नहीं होता। तो जहाँ पर इसे ही बात को देखते हुए हैना एंड जेसिका को पता था कि एलेक्स भी अभी कुछ ही दिन पहले लिबर्टी में आया था, वो दोनों उठकर एलेक्स के पास जाकर हैना एंड जेसिका वो उसको अपने साथ दोस्ती करने का ऑफर देते हैं। तो जिधर ठीक सामने ही बैठा हुआ एलेक्स वो इमीडिएटली जेसिका एंड हैना के इसे दिए गए फ्रेंडशिप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड बस अब इधर से ही हैना के लिए एक काइंड ऑफ बहुत ही बुरा सेपरेशन शुरू हो जाता है, जिसके चलते हैना वो धीरे धीरे एलेक्स एंड जेस की दोस्ती को देखकर डिप्रेशन में चली जाती है। वेल अब ये कैसे, तो आइए इस बारे में देखकर
अच्छे से पता करते हैं। तो फाइनली एपिसोड 2 के एंडिंग में एलेक जैसन हैना के रिलेवेंटली दोस्ती होती ही, जहाँ पर वो तीनों स्कूल खत्म होने के बाद एस यूजुअल हमेशा की तरह उसे ही क्रिस मॉड्स में आकर साथ में कॉफी वगैरह पीते हुए स्कूल में घटे जितने भी इंसिडेंट हुए थे उनके बारे में हंसी मजाक करते हुए आपस में बातचीत करते हैं। बट अब ये चीज इन तीनों के बीच ज्यादा देर तक नहीं रहती, स्पेशली हैना के साथ, बिकॉज स्कूल के अंदर हर एक काम दिन की तरह है ना। वो एलेक्स एंड जेस के साथ बैठकर अपना लंच करने जाते तो तभी है उसको एक सामने की तरफ टेबल पे एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग सीन देखने को मिलता है कि एलेक्स एंड जेसिका वो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आकर मोर देन फ्रेंड्स एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप में आ गए थे, जिसमें एलेक्स एंड जेसिका वो दोनों ही नॉर्मली एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही, जैसा कि अभी हम सभी देख ही रहे हैं, टाइम एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि धीरे धीरे एलेक्स एंड जेसिका ने क्रिस मॉड्स के अंदर स्कूल की बात हैना के साथ कैफे में आना ही बिल्कुल ही बंद कर दिया था, जो कि शॉकिंगली ये सारी चीजें हैना के सामने ही हो रही होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो इस बारे में बिल्कुल भी चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाती एंड एक तरीके से हैना फिर से अकेली हो जाती है। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। वेल जेसिका एंड एलेक्स का रिलेशन कुछ आपसी मैटर के चलते आउट ऑफ नोवेयर बिगड़ गया था, तो जेसिका वो इस चीज का ब्लेम शॉकिंगली और किसी पे नहीं बल्कि हैना को कॉफी शॉप बुलाकर उसके मुंह पे कर्स के चाटा मारते हुए इंटेंशनली उस पे लगाती है। एंड बस ऐसे चाटा मारने के बाद जेसिका वो हमेशा के लिए उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ क्रिस मॉड से निकल जाती है। तो सीन अब यहाँ से मूव होते हुए प्रेजेंट डे के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर क्ले वो स्टिल हैना के टेप्स को ही सुन रहा था। तो टेप्स को उसे सुनने के बाद क्ले वो सीधा जेसिका के पास ही जाकर अभी जो भी इंसिडेंट हम सभी ने टेप के फ्लैशबैक के अंदर देखे थे बस उन्हीं के बारे में ही क्ले वो जेस से बात करने की कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली ठीक सामने ही खड़ी जेसिका वो क्ले की इन बातों को सुनते हुए उसको जवाब देने के बजे बिना कुछ बोले स्कूल से चले जाती है। तो बाय द वे जेस के इस अनएक्सपेक्टिंग रिप्लाई को सुनते हुए क्ले वो हैना की टेप्स को सुनते हुए अपने घर के तरफ ही जा रहा था, तो तभी ही उसको ठीक अपने सामने की तरफ एक बिल्कुल ही होश उड़ा देने वाला सीन देखने को मिलता है कि टोनी वो शॉकिंगली हैना के पेरेंट्स से उनके घर पे मिलने जाता है। तो जिसे देखते ही क्ले वो अंदर से काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि क्ले को यहाँ पर पता नहीं था कि टोनी के कुछ कनेक्शंस बेकर्स फैमिली के साथ भी हैं, जो कि वो आपको आगे चलकर अपना भी पता चल जाएंगे। एंड बस इसी के ही साथ हमारा एपिसोड 2 एक अनएक्सपेक्टिंग एंडिंग के साथ फिलहाल के लिए ठीक इधर ही एंड होकर राइट फ्रॉम दैट मोमेंट सीरीज के एपिसोड 3 के लिए शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सभी ही उस एपिसोड के अंदर एपिसोड 2 से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो आप सभी को उसके अंदर ही देखकर मिल जाएंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। बट स्टिल अगर आप सभी ही चाहते हो कि हमको इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी 13 रीजंस व्हाई एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।